गेट का चेक करा जो मार तुम्हारा पेटा भर जाएगा। सुबह कराएंगे सुबह क्यों जाएगा भाई? यही बोल रहे हैं पुलिस है नहीं मौके पर। पुलिस है नहीं, ये बस खड़ी है। तू कहाँ है? पुलिस वाले कहाँ है? अच्छा सर, तो ड्राइवर को भी लेके आ रहे हैं। ड्राइवर को भी इस समय देख सकते हैं पुलिस की जो टीम में है वो पहुंची है। और ये वो बस है, बस दिखाओ एक बार मौके पर जो परिजन यहाँ पर नीचे और बताए जिसके नीचे आ जाने से व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है, दर्दनाक ही हादसा हो जाता है। जहाँ पर बस वो डेड बॉडी नहीं दिखानी, डेड बॉडी नहीं दिखानी। अच्छा पिछले वाले टायर में तो अभी कौन इंच मौके पर इंचार्ज? अच्छा साहब आए हुए, आ जाओ। डेड बॉडी ऊपर। अच्छा बसंत का बस स्टैंड, एक मिनट। क्या सूचना मिली सर? भाई हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई बस स्टैंड पे कोई एक्सीडेंट हो गया और उसी सूचना पे आए थे। पता लगा भाई एक बंदे की डेथ हो गई है। तो ये कह रहे हैं भाई हमारे को कैमरे अंदर वाले चेक करवा दिए और जो है बाहर का कैमरा चेक करवा रहे। हाँ नहीं करवा देंगे, अभी तो कोई उपलब्ध नहीं है ना करवाने वाला, जो आएगा सुबह करवा देंगे। बाबू जी इस तरह नहीं, अंदर के कैमरे चेक करा दिए अभी तो हम कह रहे हैं मेन गेट का कैमरा चेक करा दो, हमारा पेटा भर जाएगा। बीमार है, गलती थी किस तरह के था, के बनया के नहीं बनया, मन न्यू पता लग जाएगा। बस देखो कई बार तो बस में होता है कि आदमी पीछे तो उतरता हुआ चलती बस में, उसकी वजह से समझ गया अगले मन न्यू तो बेरा लग जाएगा। भी मारा उतरे था के चढ़े था खड़े था किस तरह के था, मन न्यू पता लग जाएगा। तो इवन अंदर कैमरे चेक करा दिए ना, बाहर मेन गेट का कौन करा रहे चेक? यहाँ मेन गेट का भी करा दिया, हमारा पेटा भर जाएगा। अंदर के करा सके तो बाहर के भी करा दे। ऑपरेटर मान लो नहीं होगा ना तो उसमें सुनो एक बात एक चीज ध्यान रखियो, उसमें टाइम आओगा साथ में, बात ध्यान रखे करें ठीक है ना। सर आए हुए मौके पे, तुमने जिस तरह पेटा इतनी वो नहीं मान लगा, हम भी सारी समझे कोई दिक्कत, हमारा पेटा भरा दो, हम अपना लेगा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। कैसे करा भर देंगे तो सुबह ही हो पाएगा, इतना तो कैसे करें? कैमरे तो देखो सर जी यही है, रिकॉर्डिंग भी यही है, कैमरे भी यही है, रिकॉर्डिंग भी यही है, ये तो चीज यही है। सुबह तक मानना विश्वास नहीं, मानना नहीं विश्वास है। सुन तो लो पूरी बात तो सुनो, डेड बॉडी को तो सरकारी हॉस्पिटल में रखवाओ, सड़क पर थोड़ी रखोगे यार, बुजुर्ग आदमी। अरे तुम तो यही हो, पुलिस भी यही है। आप भी समझो, जब अंदर कैमरे चेक हो गए तो मेन गेट क्यों नहीं कैमरा चेक होता? यू चेक करा दो, हमारा पेटा भर जाएगा। भी मारे की गलती थी, उतरे था के चढ़े था के तक मेरी बात ध्यान से खड़ा था किस तरह के था, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा लग रहे हैं, सारा स्टाफ यही है। तुम अपने 5-7 आदमी यहाँ छोड़ लो, लेकिन डेड बॉडी सड़क पर तो ना रखो ना कम से कम। अच्छा कैमरे चेक लेंगे, हम अंदर गए हैं, ये बल्ले पे दो आदमी अंदर आ जाओ, कमरे में दो आदमी, हम दो आदमी अंदर गए, ये बोले कैमरे चेक करा देंगे, हम अंदर गए कैमरे सिर्फ कराए ना, अंदर अंदर मेन गेट कैमरा सरकारी ड्राइवर का बुजुर्ग किसके परिवार में से? बुजुर्ग किसके परिवार में से? तो कहाँ गए हुए थे क्या कहीं? सरकारी ड्राइवर का किस जगह जा रहे थे? गांव में जा रहे होंगे जी, नाना ये करनाल कनौली है, हमारा कनौली है, घर से कहाँ गए थे? ये करनाल जा रहे थे सुबह गए थे। ये बस करनाल से आई है? ये नहीं माना मेरा करनाल से आई, कहाँ से आई? माने इतना पता लग जाने भी
ये खड़े थे या इस बस में उतरे थे या नहीं लियो तुमने जेब में कोई कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला माना, कुछ नहीं मिला माना। जिम्मा ने कह दिया मारा पेटा भर दो, अभी गेट की वीडियो दिखा दो माना मेन, एक मिनट में हो जाए सब कुछ। जी अंदर की वीडियो दिखा दिया ना, गेट क्यों दिखाने लग रहे हैं, गेट की दिखा दो मारा पेटा भर देगा माना भी नहीं लग देगा। अभी ये बस में उतरे था खड़े था खड़ा था बस का टायर का खून लग रहा है, टायर चेक कर लियो, टायर चेक कर लियो, टायर का खून लग रहे हैं। इसी बस से एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, इस बस से एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो सरकारी बस है, सरकारी बस पे ड्राइवर भी अपॉइंट होता है, सुबह उसकी ड्यूटी लगती है, इस टाइम गया इस टाइम आना है, ठीक है, इसका तो पता लग ही जाएगा भाई कौन ड्राइवर है, कौन ड्राइवर है। और रही कैमरों की बात, वो भी करा देंगे अगर वीडियो डिलीट होगी। नहीं ये तो आप गलत, वीडियो क्यों डिलीट हो जाएगी, आप अपने बैठा दो, समझा ले सुन मेरी बात, ये तो थोड़ा विश्वास करेगा। एक तो वीडियो आता भूल जाए तो डिलीट, रुक जा रहा है, एक तो ये दिमाग में से निकाल दिए वीडियो डिलीट होगी, उस पर बाकायदा कैमरे में टाइम भी हुआ सब कुछ हुआ, हम लोग तुम्हारे साथ है इस चीज में, ठीक है। बाबू जी आ रहे हैं शाम को, डेड बॉडी सड़क में पड़ी है, वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अंदर कैमरे चेक हो गए हैं तो गेट क्यों नहीं हो रहा, एक छोटी बात मेरी आप समझो, छोटी सी बात एक समझो मेरी आप, जब अंदर के कैमरे दिखा रहे हैं ये बाहर मेन गेट क्यों दिखा रहे हैं, हम तो इस बात पढ़ रहे हैं मेन गेट पर कैमरा क्यों दिखा रहे हैं जी, वो परली कोठी तक आओ, वो परली कोठी है वहां तक कमरे दाओ, टिकट क्या करे गिरेंद्र के गलत कर, आप लोग ही पूरी संतुष्टि करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हमें किसी से कुछ नहीं लेना, ठीक है ना, हमें कानून ने अपना काम करना है, दोनों बराबर हैं। देखो पीछे ही रोड़ा होगा झगड़ा होगा पीछे, उस कोठी तक का कैमरा दिखाया इन्होंने, परली और परली साइड में कोठी, इसको जांच तो का विषय है, वो सारा का सारा आप कर लेंगे बिल्कुल, अब एक बार कार्रवाई तो होने दो, इसको जाने तो दो डेड बॉडी को, डेड बॉडी ऐसे कैसे दीजेंगे ना, तो कोई वीडियो डिलीट होगी, ये तो दिमाग में से निकाल दो, हम आप इसके साथ हैं। सड़क पर डेड बॉडी पड़ी है वो मतलब अच्छा कौन है, वो डेड बॉडी रखवा लो, चाहे अपने दो चार बंदे यहाँ छोड़ दो रात में, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना जाए कोई चीज चेंज हुई है, यहाँ छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ देगा। देखो जी माना इस चीज का भेद को निकाल, मेरे मौजूदा बंदे हमारे गांव की पंचायत पूरी नहीं होगी, नहीं तब लग हम डेड बॉडी उठाएंगे नहीं जी, अभी तक सरपंच के साथ कॉन्टेक्ट हो रहेगा, थोड़ी कुछ ही देर में पहुंचेगा, तो मामला पूरे कमरे आ गए, अंदर का चेक कराए बोल रहे बाहर का चेक, अंदर के कैमरे चेक करा दिए बाहर का, अंदर गेट को खड़ा जो मरता इनके सारे कैमरे चेक करा दिए, आप भी समझे इस बात ना, कारण तो उसका दिखाने का मां नहीं पता लग जाएगा, भी हमारे ना लगे भी अपन कर देंगे क्या, भी मारे गलती थी या हमारा अनजान में होया के बना के नहीं पड़ रहा, जैसे हम देख सकते हैं ये वो बस है जिसमें आप देख रहे हैं असंध के सामान्य बस स्टैंड पर, जहाँ पर बड़ा ही लोकल हादसा हो जाता है, ऑपरेटर तो ये वो बस जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और डेड बॉडी जो है अभी वो सड़क के ऊपर पड़ी है, और गांव के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ इकट्ठा है, तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से डेड बॉडी जो है वो परली साइड इस टाइम पड़ी है, और गांव के सभी जो लोग हैं वो यहाँ इस समय इकट्ठा है, और पुलिस जो है वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है, और ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको बस स्टैंड से नजर आती हुई, और इस मिल गया और रखना ले। उनके परिवार के सदस्य है भाई, तेरे पास है ना, मेरे को दे दे, ये जो भाई है उसका ध्यान से रखिए।
है कोई परिवार का सदस्य है उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से निकल जाता है जहाँ पर उसकी दर्दनाक मृत्यु ये है क्या आपके पिताजी थे जी। तो कहाँ गए हुए थे करनाल गए थे सर आप नहीं हाँ साथ में था कोई अकेले नहीं अकेले थे अभी उठा के हमने घर का पता तो होना चाहिए अभी घर वाले आएंगे ये है सीधा स्टॉप उठा के पुलिस वाले उठा के ले जाए रिक्शा लेके उठा के ले जाने लग रहे गोजी में कुछ जेब जूब करे लगा सारा कुछ इन्हें बताना तो चाहिए सामान मिला कुछ कुछ नहीं जनाब पैसे मिले आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं बाकी सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब ये ले गए उसमें क्या पता उम्र कितनी थी पिताजी की 60 प्लस हो गए कुछ 60 के करीब है जी देखो वैसे तो ऑपरेट कर लग रही है नहीं हम कैमरा बोल रहे कैमरा चेक करा दो अंदर का जब चेक हो सका बाहर का क्यों नहीं हो रहा चेक हाँ तो नहीं चेक करा रहे उसको बंदे को बुलाया भाई हम कोई मतलब कुछ नहीं करते भाई बंदा तो बुलाओ बस देखो कहाँ तक पता तो लगना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं क्योंकि 60 साल का बुजुर्ग है जो बंदा वो बस में तो कूद नहीं सकता अगर कोई अड़ा है तो कूद कर दिखाओ नहीं नहीं बुजुर्ग आदमी समझ रहे हो ना यह चीज तो या तो वो पैदल जा रहे थे या वो बाहर से अंदर आ रहे थे कुछ ना कुछ तो होया होगा ड्राइवर की ड्राइवर का कह रहे हैं भी हम 72 घंटे बाद 72 घंटे तक उसके अंदर कल बोल रहे हैं कल छुट्टी है कैसे उसकी चेक हो जाएगी कल आएगी तो अभी आएगी अभी आएगा तो डॉक्टरी होगी उसकी उसके फिर सुबह होने का तो नहीं उसका क्या नाम था पृथ्वी सिंह है जी पृथ्वी सिंह सुबह गए थे उतरती आना होया कैसे हुआ टिकट भी नहीं है जेब में हाँ तो जब मतलब टिकट होती कागज अलग पड़े थे बताओ अब ये गेट के ऊपर ही है बिल्कुल अंदर एंट्री करते आना आराम से जानी चाहिए बस नहीं अब कितनी स्पीड में होगी बंदे को पता नहीं चले अभी आगे बस आ रही है कि नहीं तो असंध का ये बस स्टैंड और एक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है सुबह वो व्यक्ति अपने घर से करनाल जाता है उम्र लगभग 60 से 62 वर्ष है और बस के साथ एक्सीडेंट होता है और डेड बॉडी जो है मौके पर इस समय यहाँ बस के नीचे और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है तफ्तीश करते हुए और कैमरों को बता रहे हैं कि कैमरों को चेक करने के बाद परिवार के सभी सदस्य कह रहे हैं कि भाई कैमरे जो है वो चेक होने चाहिए ताकि उनका उनको पता लगे भी ये हादसा कैसे हुआ है और बस स्टैंड की असंध से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी कुछ ही देर के बाद जो गांव के सरपंच हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा जो मामला हुआ है इसको किस तरीके से जो है वो निपटाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति की डेड बॉडी है वो अभी बस के नज़दीक पड़ी है तो आपकी राय और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार के जो हादसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कई बार न्याय मिलने में एक गरीब आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।